स्वागत है आप सभी का वैदिक गर्भ संस्कार में। आज हम आपको अमरनाथ धाम की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे हर गर्भवती माता ध्यान देकर जरूर सुने। ऐसा माना जाता है कि कथा को बीच में नहीं छोड़नी चाहिए और बीच बीच में हुंकार भी भरनी चाहिए, तब जाके कथा का फल मिलता है। आप यह बात इस कथा को सुनने के बाद जरूर समझ जाएगी। आइए सुनते हैं अमरनाथ धाम की पावन कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। उस दौरान वहां उन दो दिव्य ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था, न महादेव का नंदी, नहीं उनका नाग, न सिर पर गंगा और नहीं गणपति कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाता है। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलकर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वही चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टोप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी हम कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिशु नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिशु घाटी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को न सुन सके, इसीलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई, वह सो गई और महादेव को यह पता नहीं चला और वह कथा सुनाते गए। यह कथा इस समय दो सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गुगू की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही है और बीच बीच में हुकार भी भर रही है। वैसे तो भोलेनाथ अपने में मग्न थे तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही है, तो कथा सुन कौन रहा था। उनकी दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव को बहुत क्रोध आ गया। तब वह कबूतर का जोड़ा महादेव की शरण में आ गया और बोला, हे भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी, हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वरदान प्रदान किया कि तुम दोनों सदैव इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक में इस स्थान पर निवास करोगे। कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है। शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से अमरनाथ धाम का अमरनाथ नाम पड़ा
और वहाँ दो कबूतर सदैव के लिए शिव और पार्वती के रूप में निवास करते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।